नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजय शाह, प्रिंसिपल साइंटिस्ट प्लांट पैथोलॉजी एनआरसी फॉर ग्रेप्स। इस मौसम में हमें जो एक इमरजेंसी मिला है वो है कि सारे बगीचे में पाउडरी का, भूरी का आक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। प्रॉब्लम यह है कि दिसंबर महीने में जैसे हम यूजुअली देखते हैं कि ठंडा का मौसम होता है, उसमें ये बीमारी उतना जल्दी से फैलता नहीं था, और होता भी है तो फिर हम उसको कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमारे सारे शेतकरी मित्रों से मिल रहा है, बहुत सारे जगह से ये इन्फॉर्मेशन आया है कि पान के ऊपर ऐसे भयानक तरीके से ऐसे बीमारी का जो वाइट सफेद रंग की जो बुरशी पान के ऊपर हाजिर होता है, ये बहुत जल्दी बढ़ रहा है। और ना सिर्फ पान के ऊपर, जैसे आप देख रहे हो कि पूरा पान में एक सफेद रंग की बुरशी है जो कि बाद में बेरी में इन्फेक्ट करता है। और हमारे सबसे बड़ी समस्या ये है कि बेरी जो हमारे फ्रूट है, फ्रूट सेटिंग, ये आप देख सकते हैं कि कैसे बेरी के अंदर भी बुरशी है। तो इस स्टेज पे जहां पे हमारे एक्सपोर्ट की माल है, ये कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और सबसे मुसीबत की बात यह है कि जो ये बेरी के अंदर, जो ये बंच के अंदर जो बीमारी है, ये बीमारी कंट्रोल करना इसीलिए मुश्किल होता है क्योंकि बंच कॉम्पैक्ट है, और फॉर नहीं आप करेंगे तो वो अंदर बेरी का, बंच के अंदर गर्भ दे वो घुसेंगे नहीं। तो जब नहीं कवरेज सही होगा तो आपके पास जितने भी अच्छे केमिकल ना हो उसमें कंट्रोल नहीं है। शेतकरी मित्रों को ये बोलना है कि एक्रेसियो जो कि मेट्रोफिनॉन है, और लूना एक्सपीरियंस जो कि फ्लूपायरम टेबुकोनाजोल है, जो हमारे लास्ट 5-6 साल बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं इस बीमारी में, वो ठीक से कंट्रोल नहीं हो रहा है। उसको फवार नहीं करने के बावजूद ये बीमारी आ रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि ये केमिकल खराब है, उसका मतलब ये नहीं है कि एक्रेसियो या लूना एक्सपीरियंस से हमारा बीमारी कंट्रोल नहीं है। एक है मौसम, दूसरा है कैनोपी, और तीसरा है अच्छा से कवरेज ना होने के कारण। क्योंकि जब बंच मदे बीमारी हो तो उस टाइम आपकी जितने भी अच्छा आपका मशीन हो, जितने भी अच्छा आपका चीमा हो, जितने भी अच्छा ड्रैगन हो, और जितना भी अच्छा आपका ESS हो, बंच के अंदर घुस के उतना अच्छा कवरेज नहीं होता है। तो ये हम कभी नहीं बोल सकते कि ये केमिकल खराब है इसलिए काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे ये केमिकल बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है। लेकिन हमें यह बोलना है कि आपको लगे कि ये केमिकल काम नहीं कर रहा है, तो इस साल हमारे जो नया केमिकल है जो कि पॉलीऑक्सिन डी जिंक सॉल्ट, जिसका बाजारी नाम है आर्माचूरा, ये सारे प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है इसीलिए हम इसका ब्रांड नेम जरूर बोल सकते हैं। आर्माचूरा 600 मिली पर हेक्टर इसका फवारनी होना बहुत जरूरी है। ये एक एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक आप जानते हैं कि नॉर्मल केमिकल से बहुत बहुत बार हमने देखा है, जैसे कि हमने कासुगामाइसिन देखे हैं, जैसे कि हमने वैलिडामाइसिन देखे हैं, ऐसे ही पॉलीऑक्सिन एंटीबायोटिक की तरह एक अच्छा क्यूरेटिव कंट्रोल देता है। 600 मिली पर हेक्टर के हिसाब से, जहां पे आपका थोड़ा टाइम है, मतलब 50-60 दिन का गैप है माल निकलने में, उस टाइम पॉलीऑक्सिन डी जिंक सॉल्ट आर्माचूरा 600 मिली पर हेक्टर का फवारनी जरूर करिए, और कवरेज अच्छा हो ये देखना जरूरी है। आपको लगे कि कंट्रोल अच्छा हो रहा है तो 10 दिन के बाद एक बार रिपीट मारिए, और बीच में एम्पिलोमाइसिस क्विस्कोलिस जरूर डालिए। दो आर्माचूरा का बीच में एक एम्पिलोमाइसिस जरूर दीजिए। जहां पे आपको लगता है कि बीमारी कम है वहां पे एक्रेसियो और लूना एक्सपीरियंस भी काम करेगा। और एक मुसीबत जो हम फरवरी मार्च में देखते थे वो अभी आके हमारे सर पे खड़े हो चुके हैं, और वो है ये कि बंच मदे ऐसे
पूरा काला पत्ता कि ये सूटी मोल्ड है, लेकिन आप मेरा प्रीवियस जो अपलोड्स है यूट्यूब में वो भी रेफर कर लीजिए, देख लीजिए कि ये सूटी मोल्ड नहीं है। सूटी मोल्ड वही होगा जहां पे मिलीबाग, एफिड या कोई भी सकिंग इंसेक्ट है। इस बंच में हमारे पास कहीं पे भी कोई भी सकिंग इंसेक्ट नहीं है और केन में भी कोई भी सकिंग इंसेक्ट्स नहीं है। तो फिर ये बीमारी क्यों? ये बीमारी इसीलिए है कि ये वेराइजन स्टेज में जब फल पकने शुरू होता है तब ये बीमारी आता था, लेकिन टेम्परेचर के कारण, जिसके कारण भूरी इतना बढ़ रहा है, जिसके कारण जो बीमारी हमें फरवरी मार्च में देखते थे वो अभी आ रहा है, ये हमें एक परेशानी की स्थिति पे, एक अड़चन की स्थिति पे खड़ा कर दिया है। तो इसलिए इसके लिए कोई भी केमिकल से स्प्रे करने का जरूरत नहीं है। सिलिकॉन बेस्ड एडजुवेंट, मैं रिपीट कर रहा हूं, सिलिकॉन बेस्ड एडजुवेंट, सर्फ या नॉर्मल एडजुवेंट नहीं, सिलिकॉन बेस्ड एडजुवेंट पानी में घुल के उसको अच्छे से फवारनी कर दीजिए। आपको लगता है कि नहीं हमें कुछ देना चाहिए तो एक बार ट्राइकोडर्मा उसके साथ मिला के आप दे सकते हैं। केमिकल्स खराब नहीं होता है, हम कैसे यूज करते हैं, उसका कवरेज सही होता है कि नहीं, और उसके साथ हम बहुत सारे टॉनिक यूज करते हैं, ये थोड़ा हम कंट्रोल करें तो हमारे केमिकल का जो काम है वो आपको जरूर मिलेगा। खाली पेट फवारनी करना नहीं है, और कोई भी फवारनी करे उसमें हाथ और मुंह जरूर ढक के करना है। हम आशा रखते हैं कि हमारे जो रिकमेंडेशन है, जो कि आर्माचूरा के है, जो कि लूना एक्सपीरियंस का है, क्रिसियो का है, इस मौसम पे पॉलीऑक्सिन आर्माचूरा देना सही होगा जहां पे बीमारी बढ़ रहा है। तो हम आशा करते हैं कि आपकी बीमारी कंट्रोल पे आ जाएगा। नमस्कार, कैसे है?